भाई साहब, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप दोनों अपने बीच के सारे मनमुटाव भूलकर पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाएं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। इसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। किशोर, मुझे मालूम था, इसीलिए मैं माफी मांगने तेरे घर आया। मुझे पता था कि तू आसानी से माफ नहीं करेगा, इसीलिए मैं मेरे साथ रीना को भी लेके आया हूँ। मेरा नहीं तो कम से कम इसका तो मान रख ले। हाँ भाई साहब, 5 साल हो गए आप दोनों के बीच की इस दूरी को। अरे, जो दोस्त एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते थे, आज वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। प्लीज भाई साहब, मान जाइए ना। अरे भाभी, ये वीरेंद्र ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं इसे... भाई साहब, भाभी मानते हैं ना आप मुझे, तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। कल ये ठीक है तो मंदिर जाओ, हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। जी सर। हाँ भाभी, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी भाई साहब, हमने अपने गांव की पुश्तैनी हवेली बेच दी है और कल ये ना पैसे लेने गांव जा रहे थे, तो मैं चाहती थी कि आप भी इनके साथ जाएं। किशोर, 5 करोड़ रुपए लेके आने हैं सिलवासा से, अगर तुम साथ में रहोगे तो हिम्मत रहेगी। क्यों भाई, रीना भाभी तुम्हारे साथ नहीं जा रही है? नहीं भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप दोनों जाएंगे एक दूसरे के साथ, और रास्ते में जितने गिले शिकवे भी है ना, प्लीज दूर कर लीजिएगा, ताकि आप दोनों जब वापस आए तो मुझे पहले की तरह दोस्ती मिले। ठीक है भाभी, आप कह रही है ना तो मैं मान रहा हूँ, वरना इसे तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करने वाला था। मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ गलती की थी, लेकिन तू इतना कठोर निकलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे छोड़ यार, चल चाय पी, भाभी चाय पीजिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। नमस्ते। खुश रहो भाई साहब, ये करण है, मेरा मुंह बोला भाई। है तो मुंह बोला, लेकिन सगे से भी बढ़कर है। टाइम के बहुत पंक्चुअल हो यार, टाइम पे आ गया। वो भी अपना सारा जरूरी काम छोड़कर सिर्फ दीदी को शॉपिंग कराने के लिए। अच्छा भाई, दो करण, ये मेरा जिगरी दोस्त किशोर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बैठो। थैंक यू अंकल। ओ प्रद, जरूरी फोन है, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। या हेलो, कल ये करण भी जाएगा हमारे साथ? नहीं नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा किशोर, मुझे तुमसे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं है। हेलो, मालिक कल 5 करोड़ रुपया लेने के लिए बीरेन जी के साथ उनके गांव सिलवासा जा रहे हैं। अच्छा, वो तुम आ गए, माल 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 लाए हो? पहले मेरे पुराने पैसे दे दे, उसके बाद ही तुझे माल मिलेगा। बाद में नहीं, प्लीज देखो, प्लीज मुझे अभी माल दे दो। अगर पैसे वापस नहीं दिया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखो तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने कहा ना तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए माल दे दो प्लीज। ओए, परेशान मैं नहीं, तेरे घर वाले होंगे। अगर मुझे 24 घंटे के अंदर पूरे के पूरे पैसे नहीं मिले, मैंने कहा ना 24 घंटे के अंदर तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है बूम बूम की, प्लीज प्लीज माल दे दो। पैसे 24 घंटे के बाद तो माल भी 24 घंटे के बाद। देखो प्लीज, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे, प्लीज मुझे माल दे दो प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा, मैंने कहा ना मैं दे दूंगा। सुनो सुनो, प्लीज माल दे दो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं दे दूंगा पैसे, प्लीज माल दे दो वरना मैं मर जाऊंगा, प्लीज। सुनो, देखो जाओ मत, प्लीज प्लीज माल दे दो, अभी के लिए दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, प्लीज माल दे दो वरना मैं मर जाऊंगा, प्लीज प्लीज माल दे दो। रौनक,
जी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये सब छोड़ क्यों नहीं देते हो रौनक? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना मैंने यहाँ नहीं आने के लिए, फिर यहाँ क्यों आई? मुझे पता है रौनक, दोपहर से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे रूम पे भी गई थी, पर वहाँ पे ताला लगा हुआ था, तब मुझे पता चला कि तुम कहाँ मिलोगे। सुना ना, थोड़ा कर्जा हो गया मुझ पर। थोड़ा नहीं रौनक, मुझे पता है कि तुमने काफी पैसे उधार ले रखे। रौनक, अगर तुमने उनके पैसे नहीं लौटाया ना तो। देखो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मुझे नेहा। तुम्हें पता है ना कितने खतरनाक लोग हैं वो, अगर तुमने उनके पैसे वक्त पे नहीं लौटाया ना रौनक, पता नहीं वो लोग क्या कर देंगे। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। इस बार एक बड़ा प्लान है मेरे पास, एक फुल प्रूफ प्लान, जिसे उन्हें उनके पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा यह हाथ कांपना भी बंद हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता रौनक, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। देखो तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, बस मुझे कहीं से भी माल ला के दे दो, मुझे बम ला के दे दो, वरना वरना मैं मर जाऊंगा। मैं सच में रौनक, रौनक, रौनक तुम ठीक हो ना? किशोर, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना भाई? यार तू भी कमाल का आदमी है, 50 बार मेरे से बोल चुका है, थकता नहीं है क्या? क्या है किशोर कि जब तू नाराज हो गया था ना और मिलना जुलना छोड़ दिया था ना, तब मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती की क्या कीमत होती है। और किशोर, अब ये दोस्ती मैं खोना नहीं चाहता हूँ। एक बात बताऊं, एक रास्ता है ये दोस्ती को और मजबूत बनाने का। कौन सा? ये जो 5 करोड़ रुपए है ना, ये मैं ले लेता हूँ। क्या? अरे तू नहीं देगा तो भी मैं ले लूंगा जबरदस्ती। किशोर, ये पैसे देकर तेरी नियत बदल गई? अरे ये कौन पड़ा है रास्ते में? लगता है कोई घायल पड़ा हुआ है। अरे हाँ यार, मैं रोकता हूँ। देखो एक काम करो, ये पैसे संभालो, मैं देखता हूँ उसको। जी, लगता है कोई गाड़ी मारकर चली गई उसको। अरे क्या हुआ? सुनो क्या हुआ? अरे भाई साहब, होश में आओ। छोड़ मुझे, बचाओ, छोड़, बचाओ। देख जरा जिंदा है क्या? सर, इसका नाम किशोर है सर। गहरी चोट लगी, इसको बेहोश हो गई, तुरंत हॉस्पिटल भिजवाना पड़ेगा। फ्रेडी, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ सर। हाँ जल्दी। जो कुछ भी हुआ यहाँ पर याद सा, आप में से किसी ने देखा है? बॉस, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, गन पाउडर लगा हुआ अभी भी घाव पर। हाँ ये देख सर, उनके खरोंच के निशान है हाथ पर, लगता खूनी के साथ हाथापाई हुई है। सर पे भी चोट लगी है, लगता है इनका सर किसी चीज से टकराया है।
शायद यहाँ पे टकराया है इसका सिर। सर गाड़ी के अंदर से इन नोटों की गड्डी मिली है और ये टूटा हुआ एक लगता है ब्रीफकेस का टुकड़ा। ब्रीफकेस का ही टुकड़ा है। ब्रीफकेस का टुकड़ा और ये सब गाड़ी के अंदर मिला तो जरूर गाड़ी के अंदर ब्रीफकेस होनी चाहिए सचिन। हो सकता है उस ब्रीफकेस के अंदर पैसे भी हो और शायद उसी लिए ये सब हुआ होगा। देखते हैं पता चल जाएगा। वो क्या है? मैंने किशोर जी को अस्पताल भिजवा दिया है। ब्रेसलेट? इस पर नाम वाम का कुछ भी नहीं है। इस पर सड़क है जरा देख तो कुछ पता चलता है क्या इस ब्रेसलेट से? ये गाड़ी किसी वीरेंद्र नाम के आदमी की है। लगता है सचिन वो किशोर है तो फिर यही वीरेंद्र है। गन सर आप रेडी? ये गन मिली है। गन देखे जरा। दे दो तरीका को। तरीका बॉस इस ब्रेसलेट पे एक किस्म का केमिकल है। अब वो कौन सा केमिकल है ये लैब में ले जाकर पता चलेगा। ठीक है सर। इस गन पे खून लगा हुआ है। लगता है इसी गन के बट से किशोर जी पर वार किया गया था। गाड़ी दो लोग किशोर और वीरेंद्र, वीरेंद्र की लाश। क्या क्या हुआ होगा यहां पर देखते हैं। किसी न किसी वजह से गाड़ी यहां पर रुकी। किशोर गाड़ी में से बाहर निकला उसकी पीठ इस तरफ थी। बस उसी में किसी ने आकर उसे यहां सिर पर वार किया और किशोर यहां पर गिर गया। हो सकता है ब्रीफकेस में पैसे थे। वीरेंद्र शायद पैसे की बैग लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश में भाग रहा था। खूनी ने उसे देख लिया और दबोच लिया। दोनों में हाथापाई हो गई। वीरेंद्र को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी। ये जो कुछ भी है पैसों के वजह से ही हुआ है। पर किसने? क्या कर रहे था उनके? क्या हो? जो तुम समझे वो नहीं कर रहा बस। ये खाली ग्लूकोज पाउडर है। ग्लूकोज पाउडर? अच्छा फिर? और ये देखो इस ब्रेसलेट पर ये जो निशान है ना ये स्क्रैचेस नहीं है। तो फिर क्या है? ये खास किस्म के निशान है बस। उन्हें रोज इस पर नशीली दवाई रख करके नशा करता था और क्योंकि ये दवाई इस पर रोज रखी जाती थी ये निशान उस दवाई के है। खूनी? हाँ खूनी। क्योंकि वीरेंद्र और किशोर को नशे की आदत नहीं है। पर कैसा ड्रग है ये सारों के? ये कुछ अलग तरीके की ड्रग है बॉस। इसमें जो पेन किलर्स हैं जो बुखार की दवाई हैं उनके केमिकल्स मिले हुए हैं। लेकिन इसमें एक फर्क है। कैसा फर्क? फर्क ये है बॉस कि जो दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं जिन्हें नष्ट करने के लिए अस्पताल में अलग रख दिया जाता है ये नशीली दवाई उन्हें रीजेनरेट करके बनाई गई है। सचिन इस राका खबरी को काम पे लगा।
उसे कहो पता लगा है क्या ये ट्रक। बूम बूम साहब। बूम बूम। बहुत ही सस्ता और अच्छा माल है, लंबे टाइम तक नशा रहता है साहब उसका, जो एक बार लेकर जाता है तो बार बार इसी को मांगता है। और ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल किस तरह के लोग करते हैं? टेंशन तो दुनिया में सभी को है, तो हर तरह के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साहब सस्ता होने की वजह से एक कॉलेज के लड़के लोग इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेसलेट देख, अच्छी तरह से देख, देखा इसे कभी किसी के हाथ पर? कोई आया था तुम्हारे पास ड्रग खरीदने के लिए और कुछ काम के लिए? नहीं साहब, अबुल इसको नहीं पहचानता, अबुल ने नहीं देखा, लेकिन साहब मैं आपके पैर पकड़ता है, छोड़ दीजिए अभी से सारा धंधा बंद कर दे अबुल, प्लीज साहब। साहब तुम जैसे सब लोग यही कहते हैं, तुम लोगों को कहां बिठाना है ना, सब पता है हमें। नहीं साहब, साहब साहब प्लीज प्लीज मैं अबुल आपके पैर पकड़ता है। साहब चुप। पैर पकड़ता है सचिन, एक बात पक्की है, ये जो कुछ भी हुआ है पैसों के लिए ही हुआ है, और जिसने भी किया है ना वो वीरेंद्र के करीब का है, वीरेंद्र के करीब का। जो कुछ भी हुआ उसका बहुत दुख है हमें, जिसने भी ये किया है ना उसे हम जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आ कहां से रहते किशोर और वीरेंद्र? सर दोनों हमारे गांव गए थे सिलवासा, पुश्तैनी हवेली बेची थी हमने, उसी के पैसे लेने गए थे। पुश्तैनी हवेली बेचने के लिए कितने पैसे? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए? इतना सारा पैसा कैसे? मतलब रोकड़ लेकर आ रहे थे? मेरा मतलब है कैश में लेकर आ रहे थे? जी दरअसल वीरेंद्र को गांव में इतनी बड़ी रकम बैंक में ट्रांसफर करना सही नहीं लगा, इसीलिए वो पैसे लेने खुद चले गए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वहां से जिंदा वापस ही नहीं आएंगे। एक बात पूछूं, आप क्यों नहीं गई उनके साथ? दरअसल वीरेंद्र और किशोर भाई साहब बहुत ही पुराने दोस्त थे, लेकिन बिजनेस की वजह से उन दोनों में मनमुटाव हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही उन दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, मुझे लगा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं गई थी। अच्छा एक बात बताइए, किशोर और वीरेंद्र इन दोनों के बीच में दोस्ती टूटने की वजह क्या थी? पैसा। पैसा? दरअसल दोनों दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी खोली थी, लेकिन वीरेंद्र ने अपने निजी काम की वजह से बाहर से कंपनी के नाम से पैसा उधार ले लिया था। अच्छा। और टाइम पर पैसा ना चुकाने की वजह से कंपनी का नाम खराब होने लगा था, और जब ये बात किशोर भाई साहब को पता चली तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और दोनों में कहा सुनी हो गई। आपको ऐसे नहीं लगता है कि शायद शायद किशोर का हाथ हो इसमें? आइए साहब आइए, मालिक इस कमरे में। ठीक, थैंक यू। किशोर जी। अरे आप लोग संभालिए, कैसी तबीयत है आपकी अब? ठीक है, पहले से तो बेहतर हूं। एक्चुअली जो हादसा आप लोगों के साथ हुआ है उसके बारे में हमें थोड़ी पूछताछ करनी थी। हाँ बोलिए ना। जिस कार में आप और वीरेंद्र आ रहे थे उसमें हमें एक ब्रेसलेट मिला है, ये उसकी फोटो है, आप इसको पहचानते हैं? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? भाई हुआ ये कि हम लोग वीरेंद्र के 5 करोड़ रुपए सिलवासा से लेकर मुंबई आ रहे थे,
जब हम लोग बंबई के पास आए तो अरे ये कौन पड़ा है रास्ते में? लगता है कोई घायल पड़ा हुआ है। देखो एक काम करो, ये पैसे संभालो, मैं देखता हूँ उसको। जी। लगता है कोई गाड़ी मारकर चली गई उसको। अरे ये क्या हुआ? सुनो क्या हुआ? अरे सुनो, होश में आओ। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप लोग पैसे लेके आने वाले हैं, ये बात आप दोनों के अलावा और किस किस को पता थी? वीरेंद्र की वाइफ रीमा, बस और किसी कोई और किसी को जानकारी थी? याद कीजिए, जब आप लोग बात कर रहे हो तो शायद उस समय कोई आया गया हो। बीच में मेरा नौकर गनु चाय लेकर आया था। ठीक है, तो मंदिर जाओ, हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। जी साहब। मैंने उसे तुरंत कह दिया था कि वहां से चला जाए और वो चला गया। शायद उसने आपकी बात सुन ली हो तो सकता है, लेकिन गनु काफी भरोसे वाला आदमी है। वो मेरे यहाँ कम से कम 4 साल से काम कर रहा है। देखिए किशोर जी, 5 करोड़ की बात सुन के अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ सकती है। नहीं तो एक साहब, आप लोगों के लिए चाय लाया। थैंक यू वेरी मच। हम लोग ड्यूटी के समय कुछ खाते पीते नहीं हैं। वैसे मेहमानों का काफी ख्याल रखते हो तुम। साहब जब यही काम करना है तो ईमानदारी से करें। वैसे ये घड़ी भी बहुत अच्छी पहनी है तुमने। जी साहब। मालिक बाजार से कुछ सामान लाना है, लेके आऊं? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है। मतलब कोई और आया गया नहीं जब आप ये बात कर रहे थे पैसों की? ऐसा तो, एक सेकंड, मुझे याद आ रहा है उस वक्त वहां रीना का भाई करण आया था। करण? आई सी। लेकिन तब तक तो हमारी बातें हो चुकी थी। ठीक है, अभी आप आराम कीजिए, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। जी सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बाय। ये जो नौकर है ज्ञानो, ये कुछ गड़बड़ लगता है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। भाई साहब मोबाइल दिखाना। बोलिए सर। अच्छा हो महंगा हो, ये कितने का है? ये आ गया 45,000, 45,000 का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये लीजिए पैसे। हेलो हेलो। हाँ अच्छा सर, आप लोग यहाँ? महंगी घड़ी, महंगा फोन, हैं? कहाँ से लेके आया? बताता हूँ सर, बताता हूँ। उस दिन मैंने रौनक बाबा को फोन किया था कि किशोर साहब और वीरेंद्र साहब ढेर सारा पैसा लेने जा रहे हैं। कौन ये रौनक है? रौनक बाबा किशोर साहब के खानदान की आखिरी निशानी है, उनके पोते हैं। लेकिन घर पे तो दिखाई नहीं दिया ये रौनक, और ना ही किशोर जी ने उसका जिक्र किया। वो हॉस्टल में रहते, वो घर ज्यादा नहीं आते। तुमने ये पैसे वाली बात रौनक को क्यों बताई? रौनक बाबा को पैसे की जरूरत रहती थी, किशोर साहब उतने पैसे नहीं देते थे उनको, और वो जब घर आते थे तो उनके लॉकर से पैसे चुराते थे और मैं उनकी मदद करता था और वो मुझे आधे पैसे देते थे। एक बच्चे को सुधारने के बजाय तू उसे बिगाड़ रहा था। जैसे ही उस दिन मैंने पैसे की बात सुनी, मैंने रौनक बाबा को फोन कर दिया। मुझे लगा कि मुझे कि रौनक पैसों की चोरी करेगा और तुझे भी आधा देगा। क्यों? वैसे ही रौनक इतने सारे पैसों का करता क्या था? मैंने उनसे कभी पूछा नहीं। ये देख ये ब्रेसलेट रौनक का है? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। वैसे बहुत दिन से वो घर नहीं आ रहे और मैंने उनके हाथ में देखा नहीं कभी। रौनक ने तुझे फोन करके बताया इस चोरी के बारे में? साहब मैं 2 दिन से उनको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका फोन लग नहीं रहा। सर हो ना, रौनक का ही हाथ लगता है इस खून और चोरी में।
कहाँ है रौनक हॉस्टल बता। एक्सक्यूज मी, ये रौनक का रूम नंबर क्या है? रौनक रूम नंबर 31 में रहता है, आगे से राइट तीसरा रूम। सर देखो जाके। तुम जानती हो उसे? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से, फ्रेंड है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है, पर आप लोग कौन हो? हम लोग CID से। CID? सब ठीक है ना? आप जरा ये फोटो देखिए ब्रेसलेट की, इसे पहचानती हैं आप? ये ऐसा तो बिल्कुल रौनक के पास है, मैंने गिफ्ट किया था उसे, पर आप लोगों को कहाँ से मिला ये? वहीं जहाँ पे रौनक ने इसे गिराया था। एक बात बताओ, ये रौनक ड्रग्स वगैरह लेता है क्या? नहीं तो? सच सच बताओ निया। हाँ सर, वैसे रौनक दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है, पता नहीं उसे ये बुरी लत कहाँ से लग गई, और उस चक्कर में तो। किस चक्कर में, क्या किया उसने? सर उसने कुछ किया नहीं है सर, एक्चुअली रौनक ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे हैं। सर मतलब हमारा शक सही निकला, रौनक ने उधार चुकाने के लिए चोरी और खून किया। चोरी खून, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? जो तुम सुन रहे हो, रौनक ने एक आदमी का खून करके उसके 5 करोड़ लूट लिए। ओह माय गॉड, इसका मतलब उस रात रौनक इन पैसों के बारे में बात कर रहा था? क्या बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था? सर एक्चुअली परसों रात एक बहुत ही खतरनाक सा आदमी रौनक से मिलने आया था। प्लीज देखो, प्लीज मुझे अभी माल दे दो प्लीज। अगर 24 घंटे के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तू सीधा ऊपर जाएगा। देखो तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने कहा ना तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए माल दे दो प्लीज। और उसने रौनक को 24 घंटे की मोहलत दी थी पैसे चुकाने के लिए। रौनक ने मुझसे कहा कि उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है, पर जब कल रात वो हॉस्टल लौटा तो मिट्टी से पूरा लथपथ था, और पता नहीं डरा डरा सा लग रहा था। तो रौनक ने ये सारा कुछ ड्रग्स के लिए किया है। सर वार्डन राजेश जी, मेरा कहना है कि किशोर जी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे, अपने पोते रौनक को यहाँ से अपने साथ लेकर चले गए। निकल, मेरा फोन लगाओ किशोर जी को। क्या बताया, क्यों लेकर चले गए? हाँ साहब, पता नहीं क्या बात हुई, किशोर जी बहुत जल्दी में लग रहे थे। सर किशोर जी का फोन नॉट रीचेबल है। सर मतलब ये दादा पोते मिलकर ये खूनी खेल खेल रहे हैं। किशोर जी के घर चलना पड़ेगा। गाड़ी है किशोर जी की, दोनों अंदर ही होंगे। सर यहां से भी भागने की तैयारी कर रहे होंगे। दरवाजा खुला है, सावधान रहना। सर सारा सामान बिखरा पड़ा है। सर लगता है यहाँ पे हाथा पाई हुई है। लेकिन ये रौनक और किशोर हैं कहाँ? देखो जरा। पानी दो इनको। यस सर। पानी बैठे। किसने किया ये सब?
पता नहीं सर वो कौन लोग थे, उन्होंने मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया और वहां बेसमेंट में फेंक दिया। सर आपका पोता रौनक कहाँ है जिसने वीरेंद्र का खून किया है? सर आपको आपको रौनक के बारे में कैसे मालूम? आपको क्या लगता है आप रौनक के साथ मिलकर प्लान बनाएंगे, वीरेंद्र का खून करेंगे, उसके पैसे लेकर फरार हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता चलेगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, जो सच है। नहीं सर रौनक ने किसी का खून नहीं किया, वीरेंद्र का खून किसी और ने किया है सर। आपने हमें नहीं बताया किशोर जी, लेकिन हमें पता चल चुका है वीरेंद्र की कार में जो ब्रेसलेट मिला था वो रौनक का है, रौनक ने खून किया है, वो खूनी है। नहीं सर रौनक ने खून नहीं किया सर, वीरेंद्र का खून कोई और है। अच्छा आपको ये कैसे पता, आप तो वीरेंद्र के मरने से पहले ही बेहोश हो गए थे ना। सर मेरी बात सुनिए, जब मुझ पर वार हुआ ना मैं एकदम से बेहोश नहीं हुआ था, मैं तो धीरे धीरे। गन वीरेंद्र के पास गिर गई और रौनक रौनक को पैसे लेकर भाग गया। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप किशोर जी, गन हमें वीरेंद्र की बॉडी के पास नहीं वहां से काफी दूर मिली थी। और जब आपको पता चल गया कि रौनक पकड़ा जा सकता है तो आप हॉस्टल से उसे ले आए और कहीं छुपा दिया? नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं रौनक को हॉस्टल से इसलिए लाया ताकि मैं उसे जल्द से जल्द विदेश भेज दूं, उसकी जान खतरे में थी सर। मानना पड़ेगा सर किशोर जी को, क्या कहानी लिखते हैं, फिर से नई कहानी गढ़ डाली है ना। सर मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ, ये सच बात है, जिन लोगों ने मुझे मार मार कर बेसमेंट में फेंक दिया बेहोश करके, वही लोग मेरे पोते को अगवा करके लेके गए थे। मुझे लगता है सर वीरेंद्र का खून भी उन्होंने किया है। हाँ सर सच्ची, लेकिन वीरेंद्र का खून उसी गन से हुआ है जो हमें क्राइम सीन पे मिली है, समझे आप? एक मिनट ये कह रहे हैं कि गन वीरेंद्र की बॉडी के पास थी? हाँ। जबकि गन हमें वीरेंद्र की बॉडी से दूर मिली है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बेहोश होने के बाद कोई वहां पर आया और उसने वीरेंद्र का खून किया और गन वहां छोड़ के चला गया? लेकिन सर ऐसा कौन करेगा? वही जो रौनक को झूठे खून के मामले में फंसाना चाहता है। सर उसी हादसे के बाद रौनक को धमकी वाले फोन आने लगे। किस बात की धमकी? वो पैसों की, 5 करोड़ के। पैसे कहाँ? पैसे सर वो रौनक मुझे पैसे के बारे में बता ही रहा था। बेटा तू घबरा मत, तू बता साफ साफ क्या हुआ। दादाजी वो पैसे। हाँ बोल दादाजी। बता कहाँ पैसे? क्या कर रहे हो दादाजी? ये लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो चल जल्दी बता पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम पैसे कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। तू ऐसे नहीं मानेगा दादाजी? ये लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो इससे पता लगा लेंगे दादाजी। ये रौनक का सारा सामान कहाँ है? रौनक का सामान उसके हॉस्टल के रूम में। मुझे रौनक की जान की इतनी फिक्र थी कि मैं सब कुछ छोड़ के रौनक को घर लेके आ गया। रौनक का हॉस्टल चेक करना पड़ेगा। आइए सर यही है रौनक का कमरा। चेक करो पूरा कमरा। सर ये रौनक के कपड़ों पे जूतों पे मिट्टी, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? हाँ सर कल उसने यही कपड़े पहने थे, मैंने उसे पूछा भी था, उसने बताया कि वो कहीं गिर गया था। बस के टिकट सर जनक नगर, ये बस स्टॉप तो वहीं पे है जंगल के पास जहां पे वीरेंद्र का खून हुआ था। कहीं सारे पैसे उसने उस जंगल में तो नहीं छुपा दिया? चल चल बार चल आगे चल, थोड़ा सा पता किधर है, थोड़ा सा बूम बूम दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। चल उधर पता किधर है बताओ, लेकिन पहले थोड़ा सा माल दे दो ना प्लीज वरना मैं मर जाऊंगा। कोशरी बनकर जितना बोला उतना कर, पहले पैसे निकाल उसके बाद माल मिलेगा।
हाँ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, प्लीज संभाल दे दो प्लीज। अबे एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? जब तक पैसे नहीं देता है ना तब तक पैकेट को छूने भी नहीं दूंगा। अब जल्दी से बता पैसे किधर है, वरना ये पैकेट तुझे कभी नहीं मिलेगा और तू ऐसे तड़प तड़प के मर जाएगा। नहीं, नहीं। उस तरफ। उधर है? हाँ, उस तरफ। चल फिर, चल जल्दी। कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है तू? सीधा ही है यहाँ से। सीधा? थोड़ा थोड़ा माल। कहाँ से? एक, 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 एक मिनट। कब किधर है? मैं वो यहाँ से सीधा ही है, सीधा है। चल। सीधा तो थोड़ा थोड़ा दे दो ना अपनी। चल। प्लीज तो थोड़ा दे दो वरना मर जाऊंगा मैं। और कहाँ जाना है? बता जल्दी। वो रहा निशान। बेवकूफ तो नहीं बना रहे हम लोग को? नहीं नहीं, ये खड्डा है। चल। ये खड्डा है, यहाँ पे मैंने बैग दफना है। प्लीज मुझे थोड़ा सा माल बंद कर, पहले बैग निकाल। थोड़ा सा माल दे दो ना, यहाँ तक तो ले। लोगों को समझ के रखा है क्या? पहले पैसे निकाल, बाद में माल मिलेगा। चल जल्दी कर। ठीक है ठीक है, चल निकाल। तो मैं जल्दी कर। चल जल्दी कर, थोड़ा थोड़ा बैग निकाल। तू ऐसे नहीं मानेगा। देख ए, जितना टाइम लगाएगा ना उतना ही माल गिरता जाएगा जमीन पर। चल जल्दी कर। खत्म हो रहा है, जल्दी कर। चल, फेंक दूंगा सारा। लगता है हमारे अलावा कोई और भी आया है इस जंगल में। तू कर जल्दी कर, तेरे जल्दी कर। पूरा जंगल झड़ मारते हैं। रौनक बेटा, क्या हाल बना रखा है? संभालो अपने आप को। रौनक कौन है सबके पीछे? रौनक 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 बेटा, कौन है तू? जो कर रहा है ये सब? ओए उड़ दो से, वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। इन दोनों में से किसी को खरोच भी आई ना, तेरा ये आदमी तो गया। ठीक है, मार देना उसे, मेरे पास और भी लोग हैं। Thank you.
घूंघट निकाल, चल। ओह, वांटेड ड्रग माफिया रजनी का बेटा दिलावर। क्यों किया तूने ये सब? बता दो, मुझे पता चल गया था कि वीरेंद्र अपनी पुत्तनी हवेली बेचने वाला है। सर, तभी मैंने पैसे लूटने की प्लानिंग कर ली थी सर, इसीलिए सर मैं रीना को घर में उल्लू बनाता रहा सर, उसका भाई बनकर, और वीरेंद्र के पीछे मैंने अपने लोग लगा लिए थे, वो मुझे पल पल की जानकारी दे रहे थे सर। तो तुम्हें पता चल गया था कि वीरेंद्र पैसे लेके जा रहा है? हाँ सर, वो प्रॉपर्टी खरीदने वाले के चचेरे भाई को मैंने खरीद लिया था सर, वो उसी ने मुझे ये खबर दी सर। और तुमसे पहले रौनक वहाँ पर पहुँच गया और वीरेंद्र से पैसे का बैग छीन कर भाग गया वहाँ से। सर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वीरेंद्र रोड पे पड़ा हुआ था और उसे होश आ रहा था। अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। लेकिन अब नहीं बचोगे। उसने मुझे पहचान लिया था सर, इसलिए मैंने मजबूरी में उसे मारना पड़ा सर, मुझे मैं मारना नहीं चाहता था सर, मजबूरी में मारना पड़ा सर। तुमने वीरेंद्र के पास पड़ी रौनक की गन से वीरेंद्र को गोली मार दी और उसके बाद गन दूर फेंक कर निकल गए ताकि वीरेंद्र का खून का इल्जाम रौनक पे आ जाए। हाँ सर, वो मैंने बाद में सोचा कि मैं रौनक को डरा धमका के उससे पैसे छीन लूंगा सर, पर मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा सर। पैसों के लिए तुमने ये सब किया, और मिला क्या? किस्मत खराब थी तुम्हारी कि हम लोग बीच में आ गए। नहीं 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 सर, मेरी तकदीर खराब नहीं हो सकती, मेरी तकदीर खराब नहीं हो सकती सर, जब तक मेरी माँ आपके आपकी गिरफ्त में नहीं है ना, मेरी तकदीर खराब नहीं हो सकती। तुम्हें पकड़ लिया ना, माँ भी पकड़ी जाएगी। बहुत याद आ रही है तुम्हें माँ की? बहुत जल्द माँ बेटे का मिलन जेल की सलाखों के पीछे होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.